कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके आपके साथ में अजय सिंह खाद तेल बाजारों की जानकारी के साथ। खाद तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, जिसके अंतर्गत सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, कांडला पोर्ट, इंटरनेशनल बाजारों में क्या स्थिति है सारी जानकारी आपको बताएंगे, और मार्केट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के साथ साथ विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। तो चलिए, जैसे कि देखा जा रहा है कि बीते कई दिनों से आप देख रहे हैं मस्टर्ड में तो एक तरफा तेजी देखी जा रही है, लेकिन सोया ऑयल पामोलिन में बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। सोया ऑयल पामोलिन में गिरावट का मुख्य कारण है कि बाजारों में जैसे कि जो सुगुकाट आई थी कि बाजार से जो फॉरेन से जो तेल कुछ जहाज आने की संभावना दिखाई दे रही है, उसका इंपैक्ट भी बाजारों में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बाहर से अगर तेल आएगा तो उसका असर किस तरीके से रहेगा, जो अभी रशिया यूक्रेन का विवाद चल रहा है उसका इंपैक्ट आपने देखा कि पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। कल भी जो रशिया यूक्रेन में जो खबर आई कि रशिया ने यूक्रेन ने कल भी वहां पर अनाज गिरे थे उस पर बमबारी करी है, उस पर भी काफी नुकसान हुआ है, लेकिन उसका अभी विश्लेषण करना बाकी है कि उसका कितना नुकसान हुआ है और किस हिसाब से बाजारों में कामकाज होकर चल सकता है। अमेरिका में लगातार सूखे मौसम की वजह से कभी सूखा मौसम ज्यादा हो जाता है, ड्राइनेस हो जाती है, तो बाजार एकदम से सिबोट तेजी में आ जाता है, और कभी सूखे मौसम की जगह नॉर्मल मौसम दिखाया जाता है, तो बाजारों में उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है। सारा मार्केट न्यूज बेस पे ही बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बात करेंगे अगर सीबॉट वायदे की, तो कल आपने देखा सीबॉट के वायदे में बाजारों में एक हल्का सा मूवमेंट बाजारों में देखा गया, बाजारों में एक मामूली सी पॉजिटिविटी के साथ 22 पॉइंट की बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ। और जैसे कि आप देख रहे हैं अमेरिका में लगातार सूखे मौसम की ताजा जानकारी, अब जो फिर ताजा जानकारी है उसके मौसम का इंतजार कर रहा है, उस पर ही सीबॉट का मूवमेंट आपको दिखाई देगा। कुछ लोग मानते हैं कि हाल में बारिश से सूखे वाला एरिया कुछ कम हुआ है, उसकी वजह से सीबॉट के बाजारों में गिरावट देखी गई है। अगर आप देखेंगे बुल्स तेजी और मंदी वाले दोनों जो ऑपरेटर हैं वो एक्टिव हैं। जब एकदम से सूखा मौसम होता है तो बाजार बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जब सूखा मौसम की जगह जहां बारिश की आशंका होती है तो एकदम से बाजारों में गिरावट आती हुई सीबॉट के बाजारों में दिखाई देती है। इसी कारण आप देख रहे हैं सीबॉट के बाजारों में लगातार उठा पटक जारी है। अगस्त महीने की मैं फसलें लगातार आप देखेंगे तैयारी की तरफ बढ़ रही है, इस कारण अगस्त में मौसम खास होता है। सोयाबीन और मील वायदे में फाइनल में नुकसान को कम करके सेटल होते हुए बाजारों में कामकाज हुआ। सोया ऑयल में मामूली बढ़त देखी गई। सीबॉट वायदे में लॉन्ग पोजीशन वाले फंड को बड़ी तेजी देखी गई थी, उसके बाद एक मुनाफा वसूली आती हुई बाजारों में नजर आ रही है। और इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग 9:30 का आप शो जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए लोकल बाजारों में कल की बात करते हैं, तो सोया ऑयल का बाजार धीरे धीरे 99 रुपए के आसपास बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। पामोलिन का बाजार 90 रुपए हो गया। राइस ब्रान ऑयल के बाजार में 96 रुपए पे स्थिर बना हुआ है। मस्टर्ड ऑयल का बाजार भी तेजी की ओर है, 115 रुपए। सोयाबीन सीड का बाजार 5100 रुपए देखा जा रहा है। अगर कांडला पोर्ट की स्थिति देखेंगे तो क्रूड पाम ऑयल का भाव 830 रुपए, फॉरवर्ड में 825 रुपए। पामोलिन का भाव 860 रुपए कांडला पे रहा। सोया रिफाइंड का भाव 965 रुपए। सोया डिगम का भाव 889 रुपए, फॉरवर्ड में 885 रुपए। सनफ्लावर ऑयल का भाव 950 रुपए रहा। सभी बाजारों में आप देखेंगे ऊपरी स्तर से हल्का सा बाजारों में दबाव जरूर देखा जा रहा है। KLC आज जैसे कि +2 रिंगिट के साथ बाजार ओपन हुआ था, कल सीबॉट का बाजार भी 22 रिंगिट पॉजिटिव ओपन हुआ और बाजार जो बंद हुआ, लेकिन अभी KLC -35 रिंगिट गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है। सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे, सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 98 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 100 रुपए। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 89 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 91 रुपए बोला जा रहा है। इसी तरीके राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 94 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 96 रुपए। अब बात करेंगे मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5850 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 6050 रुपए। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 5100 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5200 रुपए। ओवरऑल आउटलुक आप देख के चल सकते हैं, बाजारों में ऊपरी स्तर से हल्का सा दबाव है। बाजार में अगर कहीं पर गिरावट आती है तो बाजारों में अभी फिलहाल 6-7 दिन बाजारों में इसी तरीके से माहौल रहेगा। लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से बाजारों में गिरावट पे आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी के लिए AB लाइव का ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। अगर इसका डेमो लेना चाहते हैं तो लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप इसको वीडियो को चाहे कहीं पर भी आप फेसबुक या यूट्यूब में देख रहे हो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए अगर इसी तरीके की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार।